एवरीवन, मेरा नाम है शजुन खान। तो मैं आज एक मेकअप लुक क्रिएट करने जा रही हूँ जो बहुत सिंपल सा, स्वीट सा और बट न्यूट सा है, जो अगर आपकी स्वेटी फेस है तो ये ट्रिक्स काम आ सकती हैं आपको, जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। और मैं सबसे पहले ये सनस्क्रीन अप्लाई कर रही हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं डेली यूज़ करती हूँ, आप भी यूज़ कीजिए। और ये VLCC का सनस्क्रीन है जो मेरा फेवरेट है, और ये स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए हेल्प करता है। तो ये दूसरा चीज़ है जो मैं स्पिन्स का BB पाउडर ले रही हूँ, बहुत थोड़ा सा लूँगी और इसको फाउंडेशन में मिक्स करूँगी। ये मैं फाउंडेशन ले रही हूँ मैट फिटमी का, और इसके अंदर मैं ये थोड़ा सा पाउडर मिक्स करूँगी। अच्छी तरीके से मिक्स करके वॉर्म करने के बाद मतलब उंगलियों से इसे फेस पे लगाऊंगी मैं अच्छी तरीके से, और उससे अच्छी तरीके से ब्लेंड भी कर लूँगी। और आप देख रहे हो तेज़ी मेरी। फिर इसके बाद मैं जब पूरी तरीके से गले वगैरह पे सब पे लगा लेना है इसको। मैंने वीडियो को जी मैंने स्पीड बढ़ा दी बिकॉज फाउंडेशन को ब्लेंड करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, मतलब तकरीबन 1 मिनट तो लग ही जाता है। तो मैं उसको अच्छी तरीके से पूरे फेस पे फैला रही हूँ, गले पे फैला रही हूँ। उसके बाद अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी है तो आपको पता होगा दैट आई डोंट यूज़ एनी कंसीलर। तो मैं उसकी जगह पे कभी अगर मुझे डबल कवरेज चाहिए तो मैं इस तरीके से करती हूँ कि मैं वापस से वही चीज़ जो है अपनी फाउंडेशन और पाउडर को मिक्स कर रही हूँ, और उसको मैं आँखों के नीचे लगाऊंगी थोड़ा सा एक्स्ट्रा कवरेज देने को। इससे क्या होता है कि स्टेप मिनिमाइज़ हो जाता है, और ये एक मतलब मैंने पहला, मैं सारे पाउडर्स के साथ तो नहीं बता सकती बट इसके साथ ये होता है कि आपका अच्छे से फाउंडेशन सेट हो जाता है और स्टेप मिनिमाइज हो जाता है। तो मैं ये कर रही हूँ कि इसे डबल कवरेज हो जाए आंखों के नीचे, ठीक है। और इसके बाद से मैं जब ये कर लूँगी तो थोड़ा हाईलाइटेड दिखने के बाद मैं लूँगी एक गीला ब्यूटी ब्लेंडर, जिसको मैंने स्पॉन्ज को गीला करने के बाद पानी निचोड़ दिया है, और उसको अच्छी तरीके से मैं सेट कर लूँ। अगर ये प्रोसेस मैंने ये स्किप कर दिया तो ये थोड़ा सा पैची दिखने लगता है, बिकॉज आई हैव स्वेटी स्किन। तो इसका ये होता है कि वो पोर्स जैसे दिखने लगते हैं, तो ये प्रॉब्लम होती है बिकॉज आई डोंट यूज़ एनी प्राइमर। और ये इस तरीके से बहुत अच्छी तरीके सेट हो जाता है, ठीक है। तो आप देखिए कितना फ्लॉलेस बेस लग रहा है हमारा, और मैं अच्छी तरीके से सब जगह पे एक जैसा कर रही हूँ। तो यही काम होता है हमारा, पहले फाउंडेशन लगाना होता है, बाद में मिटाना होता है और उसे कम करना होता है, ठीक है। तो अच्छी तरीके से मुझे जहाँ पर ऐसा लगा कि मुझे पाउडरी थोड़ा सा फील हो रहा था, मैंने ब्लेंडर चला लिया फेस पर अच्छी तरीके से। अब उसके बाद जी मैं आती हूँ आईब्रोज की तरफ। ये मैंने एक लोकल मार्केट से आईब्रो पेंसिल खरीदी हुई है बिकॉज आई डू नॉट लाइक टू डू ओवर डू माई आईब्रोज, और इसकी वजह से मैं हल्का सा पेंसिल चला रही हूँ, उसके बाद मैंने इसको ब्रश कर लेने। तो ये ब्राउन कलर का पेंसिल है, और आप देख सकते हो मेरे बालों के सामने बहुत ज़्यादा डार्क नहीं दिख रहा है, तो बहुत नेचुरल सा लुक दे रहा है और मुझे इस तरीके से पसंद है। तो मैं अब इसके पीछे जो कोम्ब है मैं उससे कोम्ब कर रही हूँ आईब्रोज को, ताकि अच्छे दिखने लगे, जो कि एक्चुअल में होते नहीं है तो दिखाना पड़ता है, ठीक है। अब ये दोनों आईब्रोज देख सकते हो आप, हो गए, नमस्ते। उसके बाद मैं ले रही हूँ ये ब्लू हेवन के लिपस्टिक जो कि शेड है 06। ये बहुत ही पिंकिश ब्राउन कलर का लिपस्टिक है, जो अगर आपकी स्किन डस्की है तो बहुत ही सुंदर दिखता है, और रियल में तो और ज़्यादा सुंदर दिखता है। तो दिस इज़ वेरी गुड, आई रियली लाइक इट। और इसके बाद मैं यही अपनी आँखों, आप देखिए सूखने के बाद कितना अच्छा नेचुरल सा मतलब कलर आता है। इसके बाद मैंने वही लिपस्टिक है जो मैं ब्लश की तरह इस्तेमाल कर, ब्रश या कॉन्टूर कह सकते हो उसकी तरह से इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि मैंने बहुत लाइटली अप्लाई करना है, बहुत ओवरडू नहीं करना है, बस हल्का सा शेडो टाइप का दिखना चाहिए। और ये आई थिंक इट इज़ डन। तो अब मैं दूसरी साइड भी फटाफट कर लूँगी इसको, और ये अब दूसरी साइड की भी गालों पर लग गई है लाली। अब इसको मैं आंखों के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ, सेम लिपस्टिक है देखिए, और तकरीबन हमने सारा कुछ इसी से किया हुआ है। ये बहुत नेचुरल सा लुक देता है, ऐसा लगता नहीं कि आपने आई शेड लगाया हुआ है बट इतना अच्छा दिखता है ना ये नेचुरल सा, बहुत सुंदर दिखता है। तो ये मैंने इसको आँखों पर लगा लिया है, अभी यू विल इंस्टेंटली नोटिस द डिफरेंस,
बहुत नेचुरल सा पिंकिश सा जो लुक होता है वैसे दिखता है, और आप देख सकते हो आँखों कितनी आँखें कितनी खुली हुई और अच्छी दिख रही हैं उसकी वजह से। और जो एक्स्ट्रा हाथ में लगा था मैंने इधर उधर पोंछ लिया है मुँह पे, ठीक है। के बाद इसके बाद मैं लगा रही हूँ के बी टी का काजल, जो मैंने आँखों के कॉर्नर्स पे लगा लिया था आउटर साइड में, और उसको मैं थोड़ा सा स्मच कर रही हूँ। इससे आपकी आँखें थोड़ी ओपन सी दिखती हैं और ऐसा लगता है कि मतलब पलके थोड़ी आपके पास आपकी ज़्यादा हैं, और जो नेचुरल है उससे डेप्थ भी मिलती है आँखों को। तो बस इतना सा ही लगाना है, तो आप देखो कितना अच्छा सा मतलब आँखों के ऊपर थोड़ा सा वी शेप में क्रिएट हो जाता है, एंड इट लुक्स वेरी गुड, बहुत नेचुरल दिखता है और बहुत ब्यूटीफुल दिखता है। तो मैंने इसको भी उंगली से हल्के प्रेशर के साथ अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लिया है, ठीक है। एंड यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुल इट लुक्स ऑलरेडी। तो कुछ हमने कुछ इतना एक्सपेंसिव नहीं लगाया है, बट स्टिल इट इज़ लुकिंग सो गुड। और हम इसके बाद अपनी पलकों को मतलब घनी दिखाने के लिए लगाएंगे ये मस्कारा आराम से। पहले मैं ऊपर आंखें बंद करके लगा रही हूँ, फिर गंदी गंदी शक्लें बना के लगा रही हूँ, तो हमें बस थोड़ा सा वॉल्यूम देना है। तो मैं मस्कारा लगा रही हूँ उसके लिए। अब जैसी भी शक्ल बनाना चाहिए मस्कारा बिल्कुल सही से लगना चाहिए, और मैं लोअर लिप पर भी लगा रही हूँ उसको, ठीक है। तो दोनों आँखों पर मैं इसी तरीके से अप्लाई कर लूँगी। एंड यू कैन सी कि कितना डिफरेंस आ गया आँखों के पलकों पे, और कितनी ओपन सी लग रही हैं। गंदी गंदी शक्लें बना लेनी आपने, ठीक है। और आप ऑलरेडी इंस्टेंटली देख रहे हो कि कैसा है। तो ये आई थिंक किसका पता नहीं किसका मस्कारा है भाई, ठीक है। तो आई एम श्योर जो लोग इस्तेमाल करते हैं उनको समझ में आ जाएगा कौन सा मस्कारा है। ये कुछ एक्सप्रेस समथिंग मेबलिन का है, ये मेबलिन एक्सप्रेस मस्कारा समथिंग है शायद इसका नाम, तो मेबलिन का मस्कारा है ये। और ये रहा मैंने साइड बन बनाने के बाद इस तरीके से दिख रहा है मेरा बाल। और आई होप यू लाइक दिस, दिस इज़ वेरी न्यूट्रल फॉर डस्की स्किन टोन, इट लुक्स ग्रेट। सो दिस इज़ इट गाइज, आई थिंक आप लोगों को आई होप आप लोगों को पसंद आया। आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाइएगा, और वीडियो देखते रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए ताकि मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ आप लोग देख सकें। ओके जी, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़ जी। और मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग ये ट्रिक यूज़ करेंगे तो आप लोगों का मेकअप थोड़ा ज़्यादा टिकेगा पहले से। सो